अब चालू हो गई है। मैं इरफान शेख यहाँ का कचरा उठाने में, यहाँ के लोगों की मदद करने में साथ दे रहा हूँ, और हमारे वसीम भाई यहाँ पे कचरा उठाने में साथ दे रहे। हमारे मोहल्ले के लोगों से विनती है कि प्लीज़ हमारा साथ दे, जो साथ नहीं दे सकता है तो वो हमारा पैर भी ना खींचे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ गंदगी होगी तो आप लोगों की बीमारी में आप लोग ही बीमार होंगे। हम इतना तो कमाते नहीं हैं कि हम दवा खाने में पैसा लगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ कचरा ना डाले, कचरा डाल रहे तो दूर डाले, और जो काम कर रहा है उनको कोई रोके भी ना। आप लोगों से विनती है, ये हमारे दोस्त लोग सलीम भाई, सिराज भाई, वसीम भाई, जाकिर भाई, इश्तियाक भाई, इसराइल भाई, ये सब अपना काम छोड़कर हमारे पास आए। जब हमारा काम छोड़कर फालतू काम में वेस्ट कर रहे, जो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और यहाँ पे कचरा उठाने में मदद कीजिए। जिसने हमारे रुपेश गायकवाड़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी मदद की, और वसीम भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें इस लायक समझा और इस कमेटी में लिया। सालों साल यहाँ से कचरा नहीं उठाता, आज गायकवाड़ साहब की देन है जो यहाँ से वहाँ तक का कचरा पूरा साफ हो चुका है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कचरा ना डालें, जो हमारा साथ दे रहा है वो हमारे साथ MPJ कार्यकर्ता का साथ दे। प्लीज़ 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 MPJ आपके साथ रहेगा। आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी आपकी समस्या, घर का कचरा, नाले का कचरा, जो भी आपकी समस्या, हम सब में आपका साथ देंगे। एक बार फ़ोन कीजिए, एक बार हमसे मिलिए, आपका सब समस्या दूर हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं वसीम अंसारी, मेरे को पावर देने के लिए, ताकत देने के लिए मेरे पीछे है जो वसीम पठान है, MPJ से है जो। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, जो सालों साल यहाँ का कचरा नहीं उठा, और मैं रुपेश गायकवाड़ ASSC से उनका शुक्रगुजार हूँ, जो सालों साल कचरा नहीं उठा उनने करके बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे वो साफ़ सफाई करे, वैसे आप